आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है म्यूटेशंस। म्यूटेशंस क्या होती हैं और टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस क्या होती हैं। पहले हम देखेंगे म्यूटेशन क्या होती है। अ म्यूटेशन इज अ चेंज दैट ऑकर्स इन आवर डीएनए सीक्वेंस ईदर ड्यू टू मिस्टेक व्हेन डीएनए इज कॉपीड। यानी कि जो म्यूटेशन है ये एक चेंज है, सडन चेंज है जो हमारे डीएनए में होती है। कैसे होती है? या तो पहले जब हमारा डीएनए रेप्लिकेट होता है या तो उस वक्त कोई मिस्टेक हो जाए या रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर सच एज यूवी लाइट, या यहाँ पर कोई यूवी लाइट आ गई उससे क्या होता है, उसमें थायमिन डाइमर्स बनते हैं, उससे कोई म्यूटेशन आ गई, ये म्यूटेशन बन गई। यहाँ पर द डीएनए सीक्वेंस ऑफ ए जीन कैन बी ऑल्टर इन अ नंबर ऑफ वेज। यानी कि जो सीक्वेंस ऑफ जीन है जी ए टी सी फॉर एग्जाम्पल इट इज अ सीक्वेंस ऑफ वन जीन बट ड्यू टू म्यूटेशन जी सी टी सी हियर ए चेंजेस विद सी इट इज अ म्यूटेशन इट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज ओरिजिनल एंड व्हाट वी व्हाट हैज ऑकर्ड ड्यू टू म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन हैज वेरिंग इफेक्ट ऑन हेल्थ डिपेंडिंग अपॉन वेयर दे ऑकर एंड वेदर दे ऑल्टर द फंक्शन ऑफ एसेंशियल प्रोटीन। कुछ म्यूटेशंस ऐसी भी होती हैं कि उनसे कोई इफेक्ट नो इफेक्ट होता है उनसे नो इफेक्ट। यानी कि वो म्यूटेशंस वहां पर हुई है कि वो एसेंशियल प्रोटीन नहीं है या वो जो सेगमेंट ऑफ डीएनए है वो किसी प्रोटीन को कोड नहीं करता। इसी तरह जो एसेंशियल प्रोटीन है अगर वहां पर कोई म्यूटेशन हुई उससे क्या होगा, जो हमारा हेल्थ है उस पर असर दिखाएगा, हेल्थ पे असर दिखाएगा। ये जो टाइप्स ऑफ म्यूटेशन है इसमें दो टाइप्स आती है, एक है जीन म्यूटेशन दूसरा है क्रोमोसोम म्यूटेशन। यानी कि जीन म्यूटेशन अलग होती है और क्रोमोसोम म्यूटेशन अलग होती है। जो जीन म्यूटेशन है इसको हमने फर्दर डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है, जैसे कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट में आती है एडिशन या डिलीशन, या तो कोई पोर्शन ऑफ जीन डिलीट हुआ है या फर्दर कोई पार्ट ऐड हुआ है। इसी तरह जो हमारा पॉइंट म्यूटेशन है या तो साइलेंट होगा, मिससेंस होगा, नॉनसेंस होगा। ये है टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस अंडर जीन म्यूटेशंस। अब हम फर्दर इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो पॉइंट म्यूटेशन है अ पॉइंट म्यूटेशन और सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। फॉर एग्जांपल अभी ए टी सी है बट वी गॉट ए जी सी, जिस चेंजिंग ऑफ टी टू जी इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो गई जी की, यानी कि यहाँ पर जी हुआ सब्स्टिट्यूट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये एक पॉइंट म्यूटेशन, ये एक पॉइंट पे आई है म्यूटेशन। इज अ जेनेटिक म्यूटेशन वेयर अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस इज चेंज्ड इंसर्टेड और डिलीटेड। या तो कोई एक न्यूक्लियो बेस, यानी कि एक न्यूक्लियो बेस की बात होती है, या तो एक बेस है या तो वो चेंज हो गई है या तो इंसर्ट हो गई है कोई और या डिलीट हो गई है फ्रॉम अ सीक्वेंस ऑफ आरएनए और डीएनए। जो पॉइंट म्यूटेशंस हैं वो फर्दर हमने पहले भी डिस्कस किया कि वो डिवाइड किए हमने नो म्यूटेशन यानी कि कोई म्यूटेशन नहीं है, साइलेंट, नॉनसेंस और मिससेंस। ये हम देखेंगे कि ये कौन कौन सी म्यूटेशंस होती है। साइलेंट म्यूटेशंस, साइलेंट म्यूटेशन एक ऐसी पॉइंट म्यूटेशन है दैट डू नॉट हैव एन ऑब्जर्वेबल इफेक्ट, यानी कि इसका कोई ऑब्जर्वेबल इफेक्ट नहीं होता है हमारे जीनोम में। फर्क पड़ता है बट हमारे जो फेनोटाइप है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दे आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूट्रल म्यूटेशन, यानी कि ये न्यूट्रल म्यूटेशंस है। यहाँ पर जो साइलेंट म्यूटेशंस है उसे कोई असर नहीं पड़ता है हमारे फेनोटाइप को। नॉनसेंस म्यूटेशंस, अ नॉनसेंस म्यूटेशन इज आल्सो ए चेंज इन वन डीएनए बेस पेयर, यानी कि एक डीएनए बेस पेयर में कोई चेंज हुआ है। इनस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग वन अमीनो एसिड फ्रॉम अनदर फॉर अनदर, हाउएवर द अल्टर डीएनए सीक्वेंस प्रीमैच्योरली सिग्नल्स द सेल टू स्टॉप बाइंडिंग बिल्डिंग अ प्रोटीन। यानी कि प्रोटीन इज रेगुलरली फॉर्मड इन द सेल बट ड्यू टू नॉनसेंस म्यूटेशन व्हाट हैपेंस दिस सेल स्टॉप्स मेकिंग दिस प्रोटीन दैट इज कॉल्ड अ नॉनसेंस म्यूटेशन। यानी कि अब ये सेल नहीं बनाएगी, उस म्यूटेशन को हम कहेंगे नॉनसेंस म्यूटेशन। This type of mutation results in a shortening protein that may function improperly or not at all. For example, we have a gene for a protein. This is gene, and it gives this protein.
जीन ए गिव्स ए प्रोटीन इट हैज 21 अमीनो एसिड्स बट ड्यू टू म्यूटेशन इट फॉर्म्स ओनली 15 अमीनो एसिड्स इट विल हैव प्रॉब्लम इन इधर फोल्डिंग एंड इन परस्यूइंग इट्स एक्शन एट दैट टाइम दिस प्रोटीन फंक्शंस इम्प्रॉपरली दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड नॉन सेंस म्यूटेशन Now, missense mutation. What is missense mutation? This type of mutation is a change in one DNA base pair that resulted in the substitution of one amino acid for another amino acid in the protein made by gene. So, missense mutation mein kya hota hai ki ek amino acid, ek for example, yahan par lysine amino acid hai 15th position पे किसी प्रोटीन पे बट यहाँ पर क्या हुआ कि ड्यू टू म्यूटेशन यहाँ पर 15th position में arginine आ गया सो इट इज अ विजिबल चेंज हियर lysine got exchanged with arginine दिस इज कॉल्ड अ missense नाउ दिस प्रोटीन विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली बिकॉज दिस एक्चुअल sequence got changed ड्यू टू missense म्यूटेशन नाउ वी विल टॉक अबाउट क्रेन शिफ्ट म्यूटेशन This type of mutation occurs when the addition or loss of DNA bases changes a gene reading frame. For example, the reading frame of one gene is GATC. But due to we got a mutation, frame shifting mutation, instead of C, we got another T. Now, the frame shifting mutation will be GATTGATC. Here is visible change. The frame shifter, the reading frame of the gene got changed. A reading frame consists of three bases. So, GAT is a reading frame 1. TAA is another reading frame. But if there is one amino acid deleted or an extra is incorporated, so there is a change in a reading frame. तो यहाँ पर जो हमारा रीडिंग फ्रेम है वो चेंज हो जाएगा अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ग्रुपिंग ऑफ दीज बेसिस एंड चेंज द कोड ऑफ अमीनो एसिड सो फॉर एग्जांपल जीएटी इट कोड्स फॉर लाइसिन बट ड्यू टू म्यूटेशन हियर जीए बट टी गॉट डिलीटेड वी गॉट ए सो इट विल नॉट कोड फॉर लाइसिन इट विल कोड फॉर another amino acid so the resulting protein is usually non-functional jo resulting protein hota hai wahan par kya hota hai wo non-functional hota hai insertion deletion duplication can all frame shift mutations ye sari frame shift mutations hoti ab hum baat karenge deletion ke bare mein A deletion changes the number of DNA bases by removing a piece of DNA. For example, यहाँ पर एक DNA है, इसमें ये portion cut हो गया, तो अब ये इतना ही रह गया. तो इसे क्या हुआ कि जो हमारा portion of DNA है, वो delete हो गया. जब हमारा DNA का portion delete हो गया, उसे जो protein बनने वाला था, वो भी non-functional बन जाएगा, क्योंकि उसको जो प्रॉपर नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स होनी चाहिए वो नहीं बनते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा जो जीन है उसका जो प्रोटीन होता है उसका जो प्रोडक्ट होता है वो नॉन फंक्शनल होता है स्मॉल डिलीशंस में रिमूव वन और फ्यू बेस पेयर्स विद इन अ जीन व्हाइल लार्ज डिलीशंस कैन रिमूव एंटायर जीन और सेवरल नेबरिंग जीन सो अगर स्मॉल डिलीशन होगी तो यहाँ पर फ्यू बेसेस रिमूव हो सकती है बट अगर लार्ज डिलीशन हो गई तो यहाँ पर एंटायर जीन ही रिमूव होता है द डिलीटेड डीएनए में अल्टर द फंक्शन ऑफ रिजल्टिंग प्रोटीन सो जो डीएनए में डिलीशन हुई है उससे जो उसका प्रोटीन बनने वाला था वो नॉन फंक्शनल बनेगा वो अपनी फंक्शन वो प्रॉपरली नहीं कर पाएगा इसी तरह है इंसर्शन अब हम देखेंगे इंसर्शन क्या होता है और इंसर्शन से कौन सी म्यूटेशन होती है An insertion changes the number of DNA bases in a gene by adding a piece of DNA. Now, insertion means inserting. यानी कि we are adding a few bases in our DNA. That results in the formation of default protein. Then there is formation of default protein. That protein will not function properly. Maybe this is an important gene for our development and for our normal day-to-day process of our cells. It will alter the whole phenomena of the cells.
सो दीज आर सच अ थ्रेटनिंग बाय थ्रेटनिंग म्यूटेशंस. एज अ रिजल्ट प्रोटीन मेड बाई द जीन मे बी नॉन फंक्शनल, यानी कि ये जीन जो बन गया यहाँ पर ये नॉन फंक्शनल होगा. नाउ वी टॉक अबाउट क्रोमोसोम म्यूटेशंस. नाउ व्हाट आर क्रोमोसोम म्यूटेशंस? क्रोमोसोम म्यूटेशंस आर दोस म्यूटेशंस व्हिच हैपन टू क्रोमोसोम्स एज अ होल, नॉट एट अ लेवल ऑफ जीन. इट अकर्स एज अ होल ऑन अ क्रोमोसोम, ये पूरे क्रोमोसोम पे होती है, यानी कि या तो डिलीशन ऑफ पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम होगा या डुप्लीकेशन होगा. ये हम आगे देखेंगे इसमें क्या क्या होता है. इनवर्जन और ट्रांसलोकेशन. तो क्रोमोसोम म्यूटेशन में क्या क्या आता है? अ क्रोमोसोम म्यूटेशन इज एन अनप्रेडिक्टेबल चेंज दैट ऑकर इन क्रोमोसोम, यानी कि ये म्यूटेशन की डेफिनेशन यहाँ पर देखिए. अब इसने इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रोमोसोम कहा है कि जो क्रोमोसोम में म्यूटेशन है वो अनप्रेडिक्टेबल होती है, यानी कि हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि ये कब होगा और कब नहीं होगा. दीज चेंजेस आर मोस्ट ऑफन ब्रॉट ऑन बाय द प्रॉब्लम्स ऑकर ड्यूरिंग मियोसिस, यानी कि ये जो प्रॉब्लम्स होती है किसमें, जो म्यूटेशन होती है क्रोमोसोम में, ये यूजुअली कब होती है? जब मियोसिस होती है, यानी कि जो सेल डिविजन होता है, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन में होता है, और बाय म्यूटाजेनेस, यानी कि केमिकल्स, रेडिएशंस एक्सेट्रा, ये म्यूटेजेनेस होते हैं जो म्यूटेशंस को काज करती हैं, काज ऑफ म्यूटेशंस होती हैं म्यूटोजेनेस. अब हम देखेंगे डिलीशन क्या होता है. अ स्मॉल स्केल टाइप ऑफ डिलीशन म्यूटेशन इज वन इन विच वन आर मोर न्यूक्लियोटाइड्स आर लॉस्ट और डिलीटेड फ्रॉम क्रोमोसोम. फॉर एग्जाम्पल हियर यू विल सी एग्जाम्पल, हमारा जो ओरिजिनल क्रोमोसोम है उसमें चार पोर्शन है, बट जो म्यूटेटेड क्रोमोसोम है उसमें ओनली 1, 2 and 3 पोर्शन है. यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है ये डिलीट हो गया है. अब हम देखेंगे डुप्लीकेशन. अ टाइप ऑफ म्यूटेशन इन विच a portion of genetic material or chromosome is duplicated or replicated resulting in multiple copies of that region. यानी कि अगर कोई ये region है वो duplicate हो गया है, वो यानी कि वो replicate हो गया है एक से एक time से ज़्यादा बार, यानी कि 1 or 2 times that got extraly copied, duplication हो गई उसकी, तो वहाँ पर जो resulting है multiple copies of that region. For example, यहाँ पर जो हमारा original chromosome है उसमें 1, 2, 3 and 4 portions है, but जो mutated one है उसमें 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ पर आप clearly देख सकते हैं कि जो third वाला portion है उसमें duplication हुई है, वो 2 times आ गया है. Duplication resulted in an unusual crossing over between mislinged होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस, यानी कि जो मिसलिंगर क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं, वो आपस में जो क्रॉसिंग हुआ करते हैं वहां पर मिसलिंगिंग हो जाती है, और वहां पर एक्स्ट्रा जो पोर्शन है वो क्रॉस होता है, उससे क्या होता है कि वहां पर डुप्लीकेशन हो जाती है. इससे हमारा जो रीडिंग फ्रेम ऑफ जो क्रोमोसोम है वो चेंज होता है, इससे एक नहीं बल्कि बहुत सारे जीन्स का इफेक्ट होते हैं. इनवर्जन. If two breaks occurs in a chromosome, sometimes the region between the breaks rotate 180 degree before joining the two fragments. So, यहाँ पर ये दिखा गया है कि जो inversion होता है, उसमें क्या होता है कि जो कोई portion होता है, for example, उसकी direction east है, east towards east, but यहाँ पर दो positions पे ये break होता है और before joining again, ये 180 degree turn होता है, यानी कि ये ऐसे था पहले बट अभी ऐसे आएगा. इससे क्या होगा, जो हमारा फ्रेम शिफ्ट है ना वो चेंज होगा, जो रीडिंग फ्रेम है क्रोमोसोम का वो चेंज आएगा. सच एन इवेंट क्रिएट्स अ क्रोमोसोमल म्यूटेशन इज कॉल्ड इनवर्जन. यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम है रीडिंग फ्रेम की डायरेक्शन इस तरफ है, बट ड्यू टू इस पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन है इसमें 180 degree क्या हुआ, इसमें 180 degree टर्न हुआ है, और जो ये इसका रीडिंग फ्रेम है वो उल्टा आया है. इससे जो म्यूटेशन होती है उसको हम कहते हैं इनवर्शन म्यूटेशन ऑफ क्रोमोसोम्स. अब है ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन टेक्स प्लेस व्हेन अ पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम इज रिलोकेटेड. फॉर एग्जांपल इट इज ऑन क्रोमोसोम 15, इट विल ट्रांसलोकेट टू क्रोमोसोम नंबर 21. एट दैट टाइम दिस इज कॉल्ड अ ट्रांसलोकेशन. द जीन फ्रॉम वन क्रोमोसोम कैन मूव टू अनदर पोजीशन ऑन द सेम क्रोमोसोम, अल्टरनेटली दे कैन बिकम इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ डिफरेंट क्रोमोसोम. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखा गया है कि टू डिफरेंट क्रोमोसोम है, यहाँ पर
एक क्रोमोसोम में यहाँ पर ब्रेक हुआ है, दूसरे में भी यहाँ पर ब्रेक हुआ है, और इन्होंने आपस में जो पोर्शन है वो एक्सचेंज किए हैं, और ये हुआ है यहाँ पर क्या, ट्रांसलोकेशन हुई है। इसकी जो हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी कहाँ पर, डाउन सिंड्रोम में, आप वो वीडियो देख सकते हो, वहां पर हमने डिस्कस किया है प्रॉपरली कि जो रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन है वो कैसा होता है और वो डाउन सिंड्रोम को कैसे काज करता है, यानी कि जो ट्रांसलोकेशन रोटेशन है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स को जन्म दे सकता है। इट इज ऑल अबाउट म्यूटेशंस।